वाह, रात हो गई फिर भी लोग गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा का मैसेज भेज ही रहे। वाह वाह भाई वाह, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन यादगार रहा। सब कितने मस्त टेंडी सरल कपड़े पहनकर आए थे, फिर सबने एक साथ मिलकर कितने भाव से राष्ट्र गीत गाया। लेकिन राष्ट्र गीत गाने से पहले बापू जी के टेम्पो ने जबरदस्त टेंशन दे दिया था सबको। टेम्पो का नंबर प्लेट देखो गुजरात का है। ऊपर वाले भी मेरे, हम पंजाब के शेर है, साफ मालूम पड़ गया टेम्पो पंजाब से आया है। अच्छी ब्रा, ये टेम्पो तो आपके लिए आया है। मुझे पता चल गया किसके लिए आया है टेम्पो। ये देखो तिरुपति बालाजी भगवान, ये टेम्पो अब्दुल के लिए आया है। भीड़े भाई किसके लिए? ऊपर भाई के लिए, छाते भी है। अरे भाई छाते निकले मतलब टेम्पो मेरे लिए आया, मतलब करेले निकलते तो ये टेम्पो मैं सबके लिए आया होता। अरे हमारे पास चाबी नहीं है लेकिन हमारे पास हाथ तो है ना। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है। एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है, ये सिखाने के लिए किया। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस का मेन आकर्षण तो महिला मंडल की बनाई हुई रंगोली ही थी। क्या जबरदस्त रंगोली बनाई थी, एकदम विशाल, और अंदर मैसेज भी कितने बढ़िया लिखे थे। और खास तो वो सेंटर में जो चित्र बनाए थे, अद्भुत। मुझे लगता है ये आइडिया बबीता जी को ही आया होगा। तो क्या करूं, फोन करके उनको अभी शाबाशी दे दूं? हाँ देनी ही चाहिए ना। बापू जी भी कहते हैं ना कि अच्छे काम और अच्छे विचारों के लिए तुरंत शाबाशी तो दे ही देनी चाहिए, तो दे देता। हाय जीठा जी। बबीता जी कैसे हैं? Absolutely fine. वाह, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हाँ वो आपने बोला ना अभी फाइन, तो वो सुनकर मजे आ गया। जीठा जी आप भी बोलिए। नहीं बस खास तो आपको शाबाशी देने के लिए फोन किया है बबीता जी। शाबाशी? हाँ, तो भी सिंगल नहीं है, डबल शाबाशी। डबल शाबाशी? हाँ। मुझे? हाँ। किस बात के लिए? एक तो आज आपने जो सांस्कृतिक ढंग से बंगाली साड़ी पहनी थी उसके लिए। क्या जीता जी, साड़ी पहनी उसके लिए क्या शाबाशी? हाँ, क्योंकि वो आप इतने मॉडर्न, इतने हाईफाई होकर भी क्या मस्त साड़ी पहनते हैं। जीठा जी ऐसी कोई बात नहीं है, साड़ी पहनना सब लेडीज को आता है। नहीं 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 बबीता जी, नहीं, हर मॉडर्न लेडीज को आपकी तरह साड़ी पहनना नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बोली दूसरी शाबाशी किस बात के लिए है? 26 जनवरी के पर्व पर गोकुलधाम सोसाइटी में जो जबरदस्त रंगोली बनाई उसके लिए। थैंक यू जेठा जी, पर इसकी क्रेडिट हम पूरी महिला मंडल को जाती है, बिकॉज ये रंगोली हम सब ने मिलके बनाई थी। वो बराबर है, लेकिन रंगोली बनाने का आइडिया तो आपको ही आया होगा ना? नो, ये आइडिया एक्चुअली माधवी भाभी का था, तो ये क्रेडिट माधवी भाभी को जाती है। अच्छा, ये आइडिया माधवी भाभी को आया था? जी। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया आया माधवी भाभी को। तो चलो वो मिलेंगे तभी मैं उनको भी शाबाशी तो दे ही दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बबीता जी आप भी शाबाशी की हकदार तो है ही। कैसे? अभी देखिए क्या होता है, कई बार अच्छा आइडिया तो चलो किसी को आता है, लेकिन वो आइडिया अच्छा है इस पे अमल होना ही चाहिए, वो परखने की दूरंदेशी हर किसी में नहीं होती है। अभी जैसे माधवी भाभी को ये आइडिया आया, लेकिन ये आइडिया अच्छा है इस पे अमल होना ही चाहिए, वो तो आपने परखा ना, तो उसके लिए शाबाशी आपको मिलनी चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश, आइडिया को क्या परखा है आपने। जेठा जी ये आइडिया मुझे, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी सबको अच्छा लगा था। तो सो विचार, रंगोली में जो सो विचार थे वो तो आपका ही आइडिया होगा ना? नहीं नहीं, वो भी हम सबने मिलकर डिसाइड किया था। अच्छा, फिर भी बबीता जी आप एक और शाबाशी की हकदार तो है ही। जीठा जी लगता है आज आप मुझे शाबाशी दे के रहोगे, है ना?
बताइए और किस बात की शाबाशी? अभी देखिए आज के जमाने में शाबाशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और आप आज आपको सामने से इतनी शाबाशी मिल रही है तो आप उसका हंसते मोटे अस्वीकार कर रहे और उसका श्रेय दूसरों को दे रहे, तो इस बात के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश। अरे क्या जेठा जी, आप भी ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अरे ओके ओके, गुड नाइट। रसगुल्ला ड्रीम्स। रसगुल्ला ड्रीम्स? अच्छा अच्छा, रसगुल्ला स्वीट है तो स्वीट ड्रीम्स की जगह रसगुल्ला ड्रीम्स है ना। वाह वाह वाह, बबीता जी कितने समझदार है आप। इसके लिए एक और शाबाशी। ओ गॉड जेठा जी, शाबाश बबीता जी, शाबाश। ओके जेठा जी, नो मोर शाबाशी। ओके गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट।